छठवां अध्याय और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियो, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। पर अपने लड़के बाले जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। छठवां अध्याय और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से।